क्या कहेंगे आज पूरे औरंगाबाद मैच बंद का माहौल दिखाई दे रहा है और आप भी घूम रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद पत्रकार हैं, आप पूरे औरंगाबाद का दौरा कर चुके होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाब है। एक दो होटल खुले रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने मेडिकल स्टोर और दूध डेयरी को इसमें शामिल नहीं करा था। फरोशी ब्रदरान जो है पूरा 100% बंद रखा। आप खुद मार्केट में देखिए, क्योंकि ये हमारे शिनाख्त का मसला है। लोगों ने दिल से खुद ही से बंद रखा है, कोई किस पे ज़बरदस्ती नहीं कराए। और हमने दो दिन पहले ऐलान किया कि अल्लाह ने सब मुसलमानों के दिल में डाला। और हमने ये अपील मुसलमानों के लिए करी थी, दूसरों के लिए नहीं करी थी, क्योंकि हमारा शिनाख्त का मसला है। जो भी ये तहरीक औरंगाबाद के लिए लेके चल रहा नामांतर के ऊपर, हम उनके साथ हैं। और सारे मुसलमानों को ये आह्वान है, नौजवानों को ये आह्वान है कि वो तहरीक का साथ दे और ख़ास तौर पे दुआओं का अहतमाम करें। अपने घरों में मस्तूरात से रोज़ा रखा है, ख़ुद भी रोज़ा रहे और अल्लाह से रुजू रहा। इंशाअल्लाह ये नाम चेंज नहीं होगा, ये मेरे को यकीन है मेरे अल्लाह पर। सर, आज जब बंद का माहौल चढ़ रहा था तो जो खासदार साहब का धरना दौरा चढ़ा है तो उससे बड़ा आप कायम हुआ कि साहब, क्योंकि आप सब मिलकर काम कर रहे हैं, अच्छा अंदाज मिलकर कर रहे हैं। खासदार साहब भी जो काम कर रहे हैं उसका भी हमने सपोर्ट किया, उनके साथ भी हम तहरीक में, उन्होंने भी औरंगाबाद एक्शन कमेटी बनाए, उन्होंने सारे तंजीमों को ले रहे, हम भी उन्होंने भी हमारे को सपोर्ट किए। तो हमारा यहाँ पे ये पार्टी का मामला ही नहीं है, ये हमारे औरंगाबाद का मामला है। बात ये ख़ास तौर पे ध्यान रखिए, इसको बांटने की कोशिश मत की। हर मुसलमान औरंगाबाद के नामांतर के ख़िलाफ़ है। हमको संभाजीनगर से कोई बैर नहीं है, कोई दूसरा सिटी बसाओ, संभाजीनगर नाम दो। जो हमारे जो यहाँ पे 50 साल हुकूमत करे उनके ख़िलाफ़ झूठे कहानियाँ बना के उनकी बेहरमती कर रहे हैं, उनकी खबरों को निकाल के फेंकेंगे बोल रहे हैं। ये देखो, ये जो बोलने वाले हैं, इंशाल्लाह अगरचे हम रहे तो देखेंगे, अल्लाह इनको उखाड़ देगा, मगर इंशाल्लाह। सर, आज मैं शहर में घूम रहा था तो कुछ लोगों से मेरे को बात सुना, हो सकता है गड़बड़, उसकी इस्लाह करना चाह रहा हूँ। कुछ लोग कहना था कि आपको जो 27 तारीख जो मोर्चा निकलने वाला है सबका, वो शायद कैंसिल हो, ऐसा अफवाह चढ़ रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे, कुछ मालूम है इसके बारे में? देखो, प्रशासन तो अपना हर हथकंडा अपना रहा। कल से मेरे को पुलिस वालों ने भी बहुत तकलीफ दी है, बहुत सताए, हर तरीके से सताए। खैर, हमने टिस्से मिस नहीं हुए। तो ये प्रशासन का हथकंडा है, किसी हाल में बीजेपी को खुला छोड़ना, मनसे को खुला छोड़ना, वो जो अब नई शिवसेना बनी उसको खुला छोड़ना और मुसलमानों को किसी हाल में प्रेशर में रखना, क्योंकि हुकूमत उनकी है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ होने नहीं देंगे, हम हर तरीके से कोशिश करेंगे, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह। सर, आपको लगता है कि इसको लेकर राजनीति हो रही है हमारे महाराष्ट्र में और औरंगाबाद में? पूरे महाराष्ट्र में नहीं साहब, पूरे हिंदुस्तान में राजनीति हो रही है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये समझ रहे क्या? ये पूरे हिंदुस्तान में राजनीति चल रही है। इनका एक ही काम है, मुसलमानों को तकलीफ देना और भक्तों को खुश करना। किसी हाल में मुल्ले परेशान है क्या नहीं, ये उनको देखना है। और इंशाल्लाह मुल्ले कभी परेशान नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आए हैं मरने के लिए, ये सोच के रखे हैं हम इंशाल्लाह। डिक्लेयर किया महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी के तरफ से डिक्लेयर किया गया, जो कमेटी में हर पार्टी के लोग हैं, उसमें राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, MIM है, समाजवादी है, हर पार्टी के लोग हैं। तो ये जो हमारी कमेटी है, कभी भी मुसलमानों को और मिल्लत के लिए हमेशा खड़े होने वाली कमेटी है। हमारे पास पार्टी उटी मायने नहीं रखती, मिल्लत हमारे लिए पहले है और हम मिल्लत के लिए हमेशा खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। सवाल मेरे जहन में आ गया, मैं काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया हूँ और काफ़ी लोगों ने बड़े नाराज़ होकर तल्ख लहजे में कांग्रेस राष्ट्रवादी को बहुत बुरा बुला कहा है। उनका कहना है कि आप कुर्सी में क्यों बैठे, इस्तीफा दो। मेरा सवाल ये है कि इस्तीफा देने से मसले का हल है क्या? इस्तीफा देने से मसले का हल नहीं है, आपको ये मैं फिर बता रहा हूँ। हम यहाँ रह के, इसी पार्टी में रह के, वो हमारे जो कायद है उनको हम ये समझाएंगे कि भाई तुमको अगर जो सत्ता में रहना है तो मुसलमानों के लिए तुम काम करो, मुसलमानों को खुश करने के लिए तुमसे जो होता वो करो। और हम सब हट जाएंगे, सब बाजू हो जाएंगे तो नंगा नाक चलेंगा। हाँ, और ये जो कर रहे राजनीति कर रहे कि तुम इस्तीफा दो इस्तीफा दो, सब इस्तीफा दे के सब एक पार्टी में चले जाएंगे, और क्या क्या करने वाले हैं तुम एक जगह जाके? कुछ नहीं। मुसलमान 20-80% वो लोग है, तो तुमको उनके साथ मिलके उनको अपनी बात मनवाने की ये तुम्हारी सलाहियत होना, शतरंजी उठाने की सलाहियत नहीं होना, ये हमारा काम है इंशाल्लाह। हम उनको समझा के किस तरीके से हमारे मुसलमानों के काम होना, किस तरीके से मुसलमानों पे नाइंसाफ़ी नहीं होना, ये काम के लिए है। हम है बात वगैरह हमारे लिए कोई माने नहीं रखती, ये बात ध्यान में रखो। ये 4 दिन के है जो बम मार रहे, इस्तीफा दो इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता, वहाँ रह के तुम विरोध करो, वहाँ रह के आवाज़ उठाओ तो तुम्हारी दम है तुम्हारे में, वरना बाजू जाके तो सभी आवाज़ उठाते।
बड़े नाजुक हालात है, ऐसे हालात में हमारे जो जिम्मेदार है उनको, कार्यकर्ताओं को, नौजवानों का संदेश है, ये बहुत अहमियत का सवाल है। नौजवानों को ये संदेश है कि रोड पे नाचने से बेहतर अल्लाह से रुजू हो और सब्र से काम लो, और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हमारी चालू है, इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला हमको सुप्रीम कोर्ट में कामयाबी देगा, इस अदलिया पे हमको भरोसा है। सर ये आखिरी सवाल, कुछ कानून के जानकार कह रहे हैं कि जब कानून का मसला है तभी धरने से, मोर्चे से, बस से क्या होने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं इसे। जमहूरियत में हमको ये हक है कि हम इस फैसले से नाराज़ है, बल्कि ये जमहूरियत ने हमको हक दिया है, संविधान ने हक दिया है, और जमहूरियत में कभी भी सरों की तादाद देखी जाती है, तो ये गवर्नमेंट को मैसेज देना है कि हम नाराज़ है, हम इस मुल्क के सिटीज़न हैं और हमारे खिलाफ़ अन्याय हो रहा है, ये भी हम नहीं बता सकते क्या? ये भी हमको बताना है कि हम नाराज़ हैं, मुसलमान नाराज़ है, ये बताना, ये मैसेज देना है गवर्नमेंट को, चाहे वो उस पर लो मत लो, मगर हम हमारा एहतजाज तो करेंगे हम। सर आप राष्ट्रवादी से आते हैं, महा विकास अघाड़ी के भांग थे, तो ऐसे हालात में उससे कुछ फोन पे बातचीत हो रही है आपकी के साहब ये क्या चल रहा है, जरा दोबारा गौर कीजिए अपने फैसले पर? राष्ट्रवादी से जो राष्ट्रवादी के जो सुप्रीमो है शरद पवार साहब ने टीवी पे आके ये बोला कि ये हमारे एजेंडे में नहीं है। अच्छा। ये शिवसेना ने लिए भी है और ये गलत है, अब इससे बढ़ के और क्या होना, जो सुप्रीमो ने जो बात बोल दिया बोल दिया। अब मसलाबाज ये आ रहा, मैं आपके सामने ये बात नहीं करना चाहते हुए कर रहा हूँ मैं, कि कैसा है अगरचे हमारे तरफ से बोले तो हिंदू वोट नाराज, हिंदुओं की तरफ से बोले तो मुसलमान नाराज, समझ रहे क्या? तो ये कहीं ना कहीं भावनाओं से जुड़े हुआ मामला है, तो इसको हमने को अपने हमारी लड़ाई, मुसलमानों की लड़ाई जो है हम जारी रखेंगे, चाहे हम कौन सी भी पार्टी में रहो, या हमको रखो या मत रखो, ये मामले में हम तो किसी हाल में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में आपके लिए पार्टी भी कोई अहमियत नहीं? नहीं 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 नहीं, औरंगाबाद औरंगाबाद सबसे पहले औरंगाबाद, हमारा शनाख्त है औरंगाबाद, बाद में राष्ट्रवादी, पहले हम औरंगाबाद करें। औरंगाबाद हमारा पैठन गेट, औरंगाबाद अपना पैठन गेट का जो मुबल मार्केट है, और हमारा कपड़े का मार्केट है और चप्पल जूतों का मार्केट है। आज जैसे हमने कल हमारी एक मीटिंग हुई है इलियास किरवानी साहब के साथ कि औरंगाबाद शहर बंद इस तरीके से मनाना चाहिए, हमारे इलियास किरवानी साहब ने हमको बताया कि किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए और औरंगाबाद शहर भाईचारगी के साथ बंद करना चाहिए, और जिसने नहीं बंद करा तो उसको हाथ जोड़कर विनती करो, उसको उस पर प्रेशर मत डालो। तो हमने किसी को प्रेशर नहीं डाले, सभी लोगों ने हमको जो है तो 100% पैठन गेट गुल मंडी तक, तिलक रोड तक पूरा मार्केट, चप्पल जूता और मोबाइल मार्केट इंशाल्लाह बंद रहे आज अल्लाह के फजल करम से। ऐसे जो है तो आज औरंगाबाद शहर का जो नाम बदलाने की कोशिश कर रहे हैं ये इंशाल्लाह ताला कभी कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। औरंगाबाद है औरंगाबाद रहेगा ये, लेकिन यहाँ के जो मैं मुस्लिम लीडरों से ये पूछना चाहता हूँ कि एक पर्चा लेके अपना नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, मैं फलाना उप अध्यक्ष, मैं फलाना अध्यक्ष, मैं फलाना वार्ड अध्यक्ष, मैं फलाना ब्लॉक अध्यक्ष, अरे इसको साइड में रखो, हम औरंगाबाद शहर के वास्ते में एक बैनर के नीचे आकर काम करिए। अभी थोड़ी देर में दो दिन पहले, अभी दो तीन दिन पहले इम्तियाज़ जलील साहब जो आज वहाँ बैठे हैं ओपोशन को, आज मैं उनको बहुत बहुत मेरे तरफ से दुआ मुबारकबाद देता हूँ कि वो औरंगाबाद शहर में एक अच्छी फाइट कर रहे हैं इम्तियाज़ जलील साहब, और हमारे खासदार है वो, और हमारे इलियास किरवानी साहब, उनको ऑलरेडी हर जगहों का, हर उलमाओं का पाठुम्बा, पार्टियों का पाठुम्बा आया। कुछ ऐसे लीडर है जिसको अपना कोई मकसद ही नहीं मालूम, लीडर ही बस लीडर ही है, एक वाइट शर्ट पहनकर फिर लीडर ही है, लेकिन नहीं, आज औरंगाबाद के वास्ते में अपन ने सारे, आज वो जावेद ने, जो जावेद ने 40-50 लोगों के साथ जो राजीनामा दिया है, वो मेरे दोस्त है पूर्वों का एक वो कार्याध्यक्ष, उन्होंने 40-50 को लेके वहाँ इस्तीफा दिए, तो ऐसा ही छोटे मोटे वार्ड अध्यक्ष, अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों ने, चाहे कांग्रेस का रहो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस का रहो, चाहे मुस्लिम शिवसेना में रहो, क्या वंचित में रहो, मुसलमान जहाँ भी है वो एक जगह आना और एक बैनर के नीचे काम करना चाहिए। ये औरंगाबाद शहर का जो नाम का मसला है ये कोई मामूली बात है क्या? किसी का इसमें मफाद है? किसी का मफाद नहीं है। आज हमने भी हमारे कारोबार बन रखकर औरंगाबाद के वास्ते में अपनी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार है। आने वाला वक्त भी जो अगर आया, हमको ऐसा आदेश आता है ऊपर से, तो हम और दो दिन भी अगर बंद रखना रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम बंद रखेंगे। औरंगाबाद शहर एक है, औरंगाबाद का नामांतर जो लोग कर रहे हैं यहाँ पे संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर बोले, अरे ये तो बार बार हम सब लोग बोले कि हमारा विरोध कोई संभाजी नगर से नहीं है और छत्रपति से नहीं है, हमारा विरोध ये है कि औरंगाबाद जो है वैसे एज इट इज रहने दो, और कई एक आधा छोटा शहर बसा के उसको न्यू संभाजी नगर बना के रखो, उससे क्या लेना है? औरंगाबाद की जगह औरंगाबाद है ना, हमारा बोलना ही है। आज महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी और तमाम तंजीमों में मिलकर शहर औरंगाबाद को बंद रखा,
अल्लाह का एहसान है कि 100% कामयाब रहा। रही बात नामांतर की, तो ये तो बहुत पुराना शहर है और शिवसेना वालों ने, भाजपा वालों ने एक नया शहर बसाना चाहिए और उसको छत्रपति संभाजी महाराज का नाम देना चाहिए। हमारे को छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम भी सब उनका आदर करते, लेकिन हमारे शहर की जो इन्होंने शनाख्त खराब करे तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी के रहो। हम पहले शहर के नाम के वास्ते हम सब एक है। सर आप कांग्रेस के जिम्मेदार हैं और आज औरंगाबाद बंद बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, सबसे पहले तो मैं एक शेर के साथ शुरू करूंगा, जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। सबसे पहले तो हम सब औरंगाबादी हैं, कोई पार्टी कोई पक्ष नहीं, हमारा इससे दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ है औरंगाबाद। जब से हम पैदा हुए हैं तो हमारी शनाख्त है औरंगाबाद बोल के, और इस नाम को बचाने के लिए हम पूरे शहर के, पूरे पार्टियों के और सारे सेकुलर लोग एक जगह आकर जो है, तो इस अवामी कमेटी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है तो इस कसम का कदम उठाया और औरंगाबाद की आवाम ने भी जो है तो भरपूर ताउन किया है बंद मना के। हमने हमारे नाराज़गी सरकार, सेंटर सरकार जो दिल्ली में और महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी हुई है उनको जगाने का काम अवामी कमेटी ने किया है, और भी बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा औरंगाबाद नामांतर को 100% नहीं 1000% जो है तो विरोध है। सर आप कांग्रेस के जिम्मेदार रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत हुई दो दिन के अंदर? आप कांग्रेस कांग्रेस बोलने का मकसद ये है कि अभी यहाँ आवाम और सिटी शहर में अमन अमान कायम रहने के लिए सारे समाज के लोग, सेकुलर पार्टियाँ सब एक जगह आके काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले मैं औरंगाबाद का शहरी हूँ, मेरे पक्ष और सारी चीज़ें सारी बाद में आती है। सर आप गब्बर एक्शन कमेटी के जिम्मेदार हैं, आपको देख के मुझे एक जुमला याद आता, कितने आदमी थे, क्या कहेंगे आज? आज तो जैसा आप देख रहे हैं, आप पूरे ग्रीन बेल्ट का सर्वे भी करके आ गए, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी के जिम्मेदारान को और ख़ास तौर से इलियास किरमानी साहब को, जिन्होंने जिनके बोलने पे आज औरंगाबाद के दुकानदारों ने, छोटे से छोटी दुकान हो या बड़े से बड़ी दुकानदार हो, उन्होंने इलियास किरमानी साहब की आवाज़ को लब्बैक कहा है, ये एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। और जो रहा नामांतर का मुद्दा, तो देखो साहब ये 100 साल से कोई नाम इसको चेंज नहीं कर सका, और हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंशाल्लाह औरंगाबाद 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 ही रहेगा। आज बंद अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी ने जो बंद पुकारा गया था, ये बंद इसके लिए है कि भाई मुसलमान इस जो औरंगाबाद नामकरण का जो मामला चालू है इसके लिए मुसलमान नाराज़ है, और अपनी नाराज़गी जाहिर करने का ये भी जमहूरी एक तरीक़ा है जमहूरियत में कि भाई हम किस तरह अपने कारोबार धंधे हम सब बंद करते, आज कई दुकानों वालों की हज़ारों रुपये रोज़ की कमाई होंगी, आज वो लोगों ने एक दिन, ये क़ुरबानी है औरंगाबाद के मुसलमानों की। और ये बात सरकार को ये बात समझना चाहिए कि ये बंद है तो ये नाराज़ है, इसके लिए ये एहतजाज था बंद का। रही बात, मैं बहुत अक्सर ये चीज़ आ रही है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस राष्ट्रवादी, भाई ठीक है आज कांग्रेस कौन है और आज राष्ट्रवादी कौन है, आज दोनों भी सत्ता में नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन जो सवाल किए जाते वो सत्ताधारी से किए जाते, हर बार ये कांग्रेस ने नहीं करी वो राष्ट्रवादी, तो ये है कौन आज? आज ना कांग्रेस सत्ता में है ना आज राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता में है, आज सत्ता में बीजेपी है। तो कांग्रेस राष्ट्रवादी से सवाल करने के बजाय बीजेपी से करिए जिनका ये फैसला है। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के एजेंडे में तो ये बात है ही नहीं कि औरंगाबाद का नाम बदलेंगे या मुसलमानों के शरई मामलों में मुदाखलत करेंगे, कांग्रेस राष्ट्रवादी का ये एजेंडा ही नहीं है। जिनका एजेंडा है, मेरी मेहरबानी करके जिन लोगों से भी ये जो लोग सवाल करते उनसे मेरा बोलना ये है कि आप ये सवाल सत्ताधारी लोगों से करिए, क्योंकि वही आपको इस सवाल का सक्षम जवाब दे सकते। हमारा यही कहना है कि जब जो पैटर्न गेट के मुसलमान लोग हैं जिसकी मोबाइल की शॉप है, उन्होंने ने क्या अपने धंधे को ना देखते हुए अपना लॉस करा के भी अपने औरंगाबाद नाम चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने शॉपों पर बंद रखा, अपने किराए की भाड़े की दो शॉप है यहाँ पे सबके, किसकी खुद की नहीं है, तो ये वजह है कि बंद रखने की, क्या औरंगाबाद का नाम चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जो लोग इसके अंदर है तो वो कुछ चीज़ें देख रहे नहीं है, क्योंकि वो कोई राष्ट्रवादी है कोई कांग्रेस है कोई ये है,
अलग अलग पार्टियों के, तो ये पार्टियों को अलग रखते हुए सब लोगों ने ये मुद्दे पे आना चाहिए कि पहले अपन सबसे पहले औरंगाबाद ही, तो ये जब तक सूरज चांद रहेंगे औरंगाबाद तेरा नाम रहेंगे, और जब तक ये कैंसिल होगा नहीं इनका मुद्दा, तो जब तक हम खड़े रहेंगे और डट के रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं एक औरंगाबाद का हूँ, और उसके अलावा आज मार्केट की जो पोजीशन है सब अलहमदिल्ला बंद रखे, आज सबका इत्तेहाद और इत्तेफाक मुसलमानों में देखने को मिला, और इंशाल्लाह ता कयामत तक मुसलमानी की ऐसी चीज़ जो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहेगा, उसमें कुछ कुछ जो है जिसको ना समझे तो उनको समझ होनी चाहिए कि मुसलमान एक इत्तेहाद वाला चीज़ है, उसको हमेशा एक प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए। और रही बात औरंगाबाद की, तो इंशाल्लाह ता कयामत तक बदलेगा नहीं, और हम उसके सब साथ है, चाहे फिर हिंदू हो मुस्लिम हो दलित हो जो भी हो, हम अलहमदिल्ला जितने भी मुसलमान भाई है उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि एक इत्तेहाद पैदा करो और एक प्लेटफॉर्म पर आओ। आज पूरे औरंगाबाद शहर का हमने दौरा किया और खासकर गिलिन बेल्ट का दौरा किया, चप्पा चप्पा हमने छान मारा, लोग बंद रखे कारोबार, हमने कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि क्या करें पत्रकार साहब, इतना बड़ा फैसला हो रहा है, क्या हो रहा है एक दिन से बंद करने से, बड़े नम आँखों से, बड़े उदासी के साथ, बड़े मायूस के साथ उन्होंने कह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जनता इनकी मायूसी को, इनके आंसुओं को, इनकी आँख उनके दर्द को समझेंगी। देखिए ना, तो आने वाले पल राजनीति की भी आने वाले हैं, और कहते हैं कि अल्लाह भगवान ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो फैसला करता है, वो न्याय करता है, ये बात ध्यान कीजिए। आप से आपने देखा मुस्लिम अवार्डी कमेटी के जिम्मेदारान इलियास क्रमानी साहब बहुत खुल के इशारा दिया है कि हमारे पास लोकशाही लोकतंत्र है लेकिन हम नाराज हैं, और बहुत खुले अल्फाजों में कहा है कि हमारे लिए पार्टी कोई मान नहीं रखती। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, ताने कस रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उनसे हम कह रहे हैं कि देखिए हालात क्या चल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। बड़े हैं, जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ हालात है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त और दिन बहुत नाजुक रहने वाले हैं, तो आपसे इतनी गुजारिश है, इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहे, ये कानून के दायरे में पूरा मंत्र काम करने वाले हैं, और खुदारा कोई जज्बाती बात ना करे, कोई नारा ना कसे, कोई कमेंट फेसबुक ना करे, ये आज वक्त और हालात की जरूरत है। जाते जाते एक सवाल मैंने किया था, क्योंकि काफी लोगों का मैंने इंटरव्यू कवर किया था, और उन्होंने बड़े तख लहजे में कहा था कि ए कांग्रेस वालों, ए राष्ट्रवादी वालों, लात मारो कुर्सी को, ये आपको जवाब मिल गया होगा, और कहने के किताबों में भी लिखा हुआ है कि अगर आप हुकूमत में नहीं है तो हिकमत से काम कीजिए, ये एक जुमला आप समझने की कोशिश कीजिए, और बहुत खुल के कहा इलियास क्रमानी साहब ने। और मैं समझता हूँ कि उनके जब बोल रहे थे एक डर छलक रहा था कि पार्टी के साथ भी रहना है और पार्टी का फैसला भी आता है, बहुत दर्द होता है साहब जब अपने से बेवफाई होती है, बहुत दर्द होता है, लेकिन बहुत बड़ी बात की है कि हम साथ में रहेंगे और हमारी बात को मनवाएंगे। तो उम्मीद है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो कमेंट्स कर रहे हैं राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, अरे कुछ तो सोचो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता के बादशाह लोग कह रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं, ये टालियां इस बात की गवाही दे रही है, ये बात में दम है।